नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, जो छत्तीसगढ़ से है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री और जेसीसीजे के सुप्रीमो अजीत जोगी के जाति मामले में आज बिलासपुर हाईकोर्ट पर अहम सुनवाई होगी। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के जाति मामले में शिकायतकर्ता संत कुमार नेताम की हस्तक्षेप याचिका को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने नेताम को आवश्यक पक्षकार बनाने के निर्देश दिए हैं। उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति के द्वारा गैर आदिवासी बताए जाने को अजीत जोगी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसके विरोध में संत कुमार नेताम ने हस्तक्षेप याचिका दाखिल की थी। एक पीठ ने नेताम की हस्तक्षेप याचिका को खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ नेताम ने डीबी में रिट याचिका दाखिल की। आज इस मामले में सुनवाई होगी। जाति छानबीन समिति की ओर से बहस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद के आने की संभावना है। वहीं शासन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा पैरवी करेंगे। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता जुड़ गए हैं शैलेंद्र पाठक। शैलेंद्र, आज कितने बजे ये सुनवाई होनी है और जिस तरीके से एक जाति प्रमाण पत्र का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, और क्या लग रहा है किसके पक्ष में ये आ सकता है, कौन क्या दलील दे सकता है? अब ये दलील तो खैर निश्चित रूप से जो संत कुमार नेताम की दलील है वो डिवीजन बेंच के आगे पुख्ता हो गई। सिंगल बेंच ने इस मामले में संत कुमार नेताम की याचिका को इसलिए खारिज कर दिया था, चीफ जस्टिस की शर्त होती थी सिंगल बेंच की, अब ये याचिका और उनका अधिकार जो है वो समाप्त हो गया है। जबकि उन्होंने जाति के मामले में जब अजीत जोगी की सुनवाई हो रही थी तो उन्होंने इंटरव्यू किया था, कहा था कि उनको भी सुना जाए इस मामले में, क्योंकि वो पूरे मामले में पूरी याचिका करता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से लेकर के अभी तक, जितने भी 2001 से जब तो संत कुमार नेताम ने लगातार इस मामले में रहे हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में सबसे पहले शिकायत संत कुमार नेताम ने की थी, सुप्रीम कोर्ट में भी उनको पक्षकार बनाया गया था, हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने भी आदेश में उनको पक्षकार बनाया। तो ये तमाम तरीके के जो हायर कोर्ट है उनको, उन्होंने तमाम तरीके से संत कुमार नेताम को याचिकाकर्ता इंटरव्यू के रूप में स्वीकार किया है। ऐसे में सिंगल बेंच में पी सेन कोशी की बेंच ने जब इसको खारिज कर दिया तो उन्होंने दोबारा डीवी में याचिका लगाई और अब इस मामले में सुनवाई है। ये जोगी को एक तरीके से झटका है अजीत जोगी को, क्योंकि बड़ी राहत मिल गई थी जब संत कुमार नेताम की और समीरा सैकरा की दोनों की याचिका पी सेन कोशी में खारिज। ठीक है, अब इसमें एक कड़ी और जुड़ गई है इस तरीके से कि जब संत कुमार नेताम की याचिका स्वीकार कर ली गई है तो इसी तरीके से जो समीरा सैकरा उसकी भी याचिका लगी थी उसको भी जस्टिस पी सेन कोशी की सिंगल बेंच ने इनकार कर दिया था, और वो भी इस मामले में याचिका लगा चुकी है, वो भी उनके लिए भी एक रास्ता खुल गया है। तो बड़ा दबाव जो है अजीत जोगी की बन गया है और मामले में डिवीजन बेंच ने आदेश दिया है कि सिंगल बेंच इनको हस्तक्षेप याचिका के रूप में सुने और उनकी बातों को सुने। ये जो चीज है तो आज इसमें सुनवाई होनी है, हफ्ताह में सुनवाई होने की संभावना है और हो सकता है कि इसमें जो जिस तरीके से सरकारी बड़े वकील आए हैं, लेकिन ये भी एक उस समय बात आई थी कि आखिर सरकार की तरफ से उस समय विरोध क्यों नहीं किया हस्तक्षेप याचिका जब खारिज हुई थी तो, लेकिन अब ऐसे में संत कुमार नेताम के वकील प्रदीप श्रीवास्तव और याचिका लगा सकते हैं तो बड़ी राहत दी है और अजीत जोगी के लिए बड़ी परेशानी खड़ी होगी, क्योंकि अभी तक मैदान पर उनका विरोध करने वाला नहीं था। तो अब ये जिस तरीके से संत कुमार नेताम वापस मैदान में आया तो मेरा पैकड़ा भी अब आएंगे निश्चित रूप से, तो एक बड़ा जो बहस का मुद्दा भी आएगा और इसमें आज सुनवाई फर्स्ट हाफ में सुनवाई होना है। अब इसमें क्या चीजें आती तमाम निश्चित रूप से जो दोनों पक्ष के वकील उस मुद्दे को अजीत जोगी को निश्चित रूप से लास्ट टाइम जो याचिका हुई थी उसमें बड़ी राहत ये मिल गई थी कि उनकी जो एमएलए सीट है उसको ना खारिज किया जाए, ना खत्म किया जाए, ये राहत उस समय एक दिन करीब कह सकते हैं मिली थी उसको। लेकिन अब जो बहस होगी आज उसमें सुनवाई तक उनको जो राहत थी वो सुनवाई तक है, बिल्कुल शैलेंद्र, आज की सुनवाई में ये देखने वाली बात होती है कि किसके पक्ष में ये फैसला जाता है। चलिए, पूरी जो सुनवाई है उस पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।